गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लेटर्स। आज मैं आपको लेटर्स दिखाऊंगी किस तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, रिया हैज रिटन ए लेटर टू हिज अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए बर्थडे गिफ्ट। रिया अपने अंकल को लेटर लिखती है और उसमें उसे उसका शुक्रिया अदा करती है, उसने उसको बर्थडे पर गिफ्ट की है। क्या गिफ्ट की है तो ये नीचे हम देखेंगे, लेटर में लिखेगी। तो बच्चों लेटर किस तरीके से लिखनी है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है जगह का, जैसे करना कश्मीर या कोई भी जगह होगी तो आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जैसे मतलब 22 सितंबर 2020 या कोई भी डेट होगा, सितंबर अक्टूबर कोई भी होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ पर इसने लिखा है डियर अंकल, उसने अपने अंकल को लेटर लिखी है। तो अगर आप फ्रेंड को लिखेंगे तो लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर ग्रैंडफादर, जिसको भी लिखेंगे आप तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है हमने, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल ड्रेस एंड ज्वेलरी, आई लाइक दिस ड्रेस वेरी मच एंड आई वेयर दिस इन माई बर्थडे पार्टी। ये अपने चाचा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसको बहुत खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी दी और उसे बहुत पसंद आई और उसने अपने बर्थडे पार्टी पर वो पहनी भी। फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना है विद लव, नीचे अपना नाम रिया। तो इस तरीके से बच्चों आपको लेटर लिखनी है। लेटर लिखने का ये तरीका है। तो आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जगह को मेंशन करेंगे, फिर डेट, फिर यहाँ एक लाइन छोड़कर यहाँ पर ये लिखेंगे डियर अंकल, डियर फ्रेंड्स या कोई। तो फिर अपने लेटर मतलब कंप्लीट करने के बाद फिर राइट साइड में आप क्या करेंगे, विद लव फिर नाम। तो ये सब बच्चे अपने अपनी नोट बुक पर नोट करेंगे और जहन में रखेंगे। बस आज के लिए इतने काफी है। बस